क्या आप लोगों ने कभी एक बात नोटिस की है कि जब BTC जो है वो ग्रीन होता है, बुलिश होता है, तो हर तरफ आपको पॉजिटिव ही न्यूज़ देखने को मिलेगी। हर बंदा आपको बोलेगा BTC को बाय करो। बट जब BTC जो है वो रेड होता है, बेरिश होता है, तो हर तरफ आपको नेगेटिव ही न्यूज़ देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जब मार्केट बेरिश होती है तो वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि प्राइस जो है वो फर्दर ड्रॉप करेगी और आप लोग जो है वो सेल कर दें, आपके पास जो होल्डिंग्स है वरना फर्दर लॉस में आ जाएंगे। तो इससे मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो व्हेल्स हैं या जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं उस सप्लाई को। जैसे ही वो एक्यूमुलेट करते हैं, बाय करते हैं, तो प्राइस ऊपर चली जाती है। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है ना, तो फिर ये लोग आपके दिल में, मतलब आपको सब्ज़ बाग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि प्राइस फर्दर ऊपर जाएगी, आप लोग बाय करें बाय करें। तो जैसे ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, तो इनके पास जो होल्डिंग्स पड़ी होती है, इनके पास मतलब जो एसेट्स पड़े होते हैं जिन्होंने, जिसको इन लोगों ने लो प्राइस पे बाय किया होता है, तो वो एसेट्स ये लोग आपको सेल कर देते हैं। जैसे ही आप लोग बाय करते हैं, ये लोग सेल करते हैं और प्राइस जो है वो ड्रॉप करती है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी जो है न्यूज़ बेस पे ट्रेड ना करें। मैं न्यूज़ पे बिलीव नहीं रखता, ठीक है, न्यूज़ पे रखता हूँ, बट उसका अलग जो है वो, मतलब न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करने का अपना अलग एक मेथड होता है। ये नॉर्मली जो न्यूज़ पे लोग ट्रेड करते हैं ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये है कि हमेशा जो है आप लोग टेक्निकल्स पे, प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया करें, इन न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें और ना ही न्यूज़ के बेस पे कोई डिसीजन ले ट्रेडिंग में।